कुवैत के मंगाव शहर में हुए अग्निकांड में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 45 भारतीय थे। इन मरने वालों में यूपी के भी कुछ लोग थे। गोरखपुर के रहने वाले अंगद गुप्ता ने भी कुवैत में आग की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा दी। अंगद गुप्ता गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जटेपुरी उत्तरी के रहने वाले थे। वो 9 साल पहले कुवैत गए थे और वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर का काम कर रहे थे। गुरुवार को मंगाव शहर के एक बहुमंजिला मॉल में हुए अग्निकांड में जब उनका शव निकला तो घर में मातम पसर गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिस अंगद से उन्होंने कुछ दिन पहले फोन पर बात की थी अब वो कभी नहीं बोलेंगे। मंगलवार को 10:30 बजे सुबह बात हुई थी, शाम को 4:30 बजे से 5 बजने में 2 मिनट कम था तब तक बात चली। शाम को अब बुधवार को ने बच्ची मेरी ग्रेजुएशन कर ली है, बार बार फोन करके पूछते थे क्या हुआ, कोई फॉर्म वॉर्म निकला तुम्हारा, भर रही थी, बस यही पूछते रहे हैं। अब उसके बाद ही उनका सपना था कि मेरे तीनों बच्चे कहीं सेटल हो जाएं, सरकारी नौकरी, सरकारी कोई जॉब मिल जाए, लेकिन पढ़ाते अभी पढ़ा ही रहे थे तब तक इनका ये दुर्घटना हो गया। कल ऑनलाइन नहीं था तो हम बार बार फ़ोन करते गए, व्हाट्सएप पे, IMO पे, दोनों पे ऑनलाइन नहीं थे, तो फिर हम पैसा IST वाला कॉल डलवाएं, पैसा उसमें हम कहें फ़ोन करें मोबाइल नंबर पे, तो मोबाइल नंबर पे कर रहे हो उस भी कट जा रहा है, फ़ोन नहीं जा रहा था, उनको घबराहट होने लगी। तो न्यूज़ पे दिखा रहा था वो नंबर से फ़ोन किए तो वो नाम वाम पूछे, पता बताएं, तो कह रहे हैं ठीक है अभी बता रहे हैं। तब एक घंटे के बाद फ़ोन आया तो कह रहे हैं कि हम कौन बोल रहे हैं, उनका पत्नी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कोई है जेंस, तब अपने बाबू को दिए तो इससे भी नहीं बताएं कुछ, कह रहे हैं कोई जेंस और हो तो बताओ, हम कहे ठीक है नंबर दिए, भाई है तो भाई का नंबर दिए, भाई के पास फोन आया। आखिरी बार बातचीत मंगलवार को परिजनों से हुई थी। उन्होंने बातचीत के दौरान परिजनों का हालचाल जाना और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मन लगाने को कहा। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के आला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विदेश मंत्रालय और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहने की बात कही है। कुवैत में एक दुखद घटना घटित हुई जिसमें कई भारतीयों के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। उसमें गोरखपुर जनपद के 2 निवासियों की मृत्यु हुई है, जिसमें एक अंगद गुप्ता नाम है एक व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति का नाम जयराम गुप्ता। इन दोनों के परिवार से प्रशासन ने संपर्क स्थापित कर लिया है, परिवार हमारे टच में है और इन दोनों के पार्थिव शरीर को कल सुबह 8 बजे दिल्ली से जो इंडिगो की फ्लाइट गोरखपुर के लिए आती है उसी से आने की सूचना प्राप्त हो रही है अभी, तो हम लोग उसको लेकर तैयारी कर लिए हैं। कल सुबह उनके परिजन एयरपोर्ट पर हमारे साथ उपस्थित रहेंगे प्रशासन के साथ और उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करके उनके परिवार तक के सपोर्ट किया जाएगा। वहीं इस घटना से परिवार के साथ ही मोहल्ले वालों में भी शोक की लहर है। अंगद के छोटे भाई पंकज गुप्ता बताते हैं कि परिवार के वो इकलौते कमाऊ सदस्य थे। इस हृदय विदारक घटना से पूरा परिवार टूट गया है। परिवार ने नम आंखों से प्रदेश व केंद्र सरकार से शव को सकुशल लाने के साथ ही परिवार की बड़ी बेटी अंशिका को नौकरी और आर्थिक सहायता करने की मांग की है। मृतक अंगद गुप्ता के परिवार में पत्नी रीता देवी के साथ बड़ी बेटी अंशिका गुप्ता, मझला बेटा आशुतोष गुप्ता, छोटा बेटा सुमित गुप्ता हैं। बता दें कि कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारतीय वायुसेना का विमान केरल के कोची एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। कुवैत के मंगाव शहर में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में कुल 45 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। जान गंवाने वाले भारतीयों के शवों को देश लाने के लिए भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलस विमान रवाना हुआ था जो कोची में लैंड हो चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन खुद कोची इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे।